वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नबीसत किचन। आज हमारे चैनल पर हम बनाने वाले हैं चोको मावा केक, जो आसानी से घर पर हम घर पर अवेलेबल चीज़ों से घर पर अवेलेबल वेजल से हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम चोको मार्बल केक बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिया है एक टिन, अगर आपके पास केक टिन हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने घर पर जो टिफ़न बॉक्स है इसी का इस्तेमाल करके आज मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इसलिए हमने केक टिन को सबसे पहले हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। और हमने टिन को अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब हमने एक बटर पेपर टिन के साइज का कट करके इसमें डाल लेते हैं। हम इसको इस तरह से डालने के बाद इसके ऊपर भी हम ऑयल ग्रीस कर लेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम रख देंगे और हम केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक बाउल लिया है और हमने बारीक चीनी पाउडर शुगर यूज़ किया है। शुगर जो है, अगर आपके पास पाउडर शुगर ना हो तो आप शुगर को पाउडर मिक्सर जार में डाल के पाउडर बना सकते हो। हमने लिया है 1 कप पाउडर शुगर और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लिया है हमने, रिफाइंड ऑयल। और हम लेंगे 1 कप मिल्क। तो देखिए हमने लिया है 1 कप मिल्क, जो बॉईल करके हमने ठंडा कर लिया है, इसको हमने ऐड कर लिया है इसमें। अब हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसको इस तरह से विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेनिला एसेंस। और अब हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। ऐड करके इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और हमने लिया है 1 कप मैदा, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे इस तरह से। एंड 1/2 कप मैदा, 1 एंड 1/2 कप मैदा हमने लिया है टोटली, इसको भी हम स्ट्रेन कर लेंगे। और हम इसी में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसको भी हम स्ट्रेन कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें हमने जो मैदा स्ट्रेन करके रखा हुआ है इसमें ऐड कर लेंगे। ऐड करके हम इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए हम इसको धीरे धीरे करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, इसको हम धीरे धीरे हाथ से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर करीब रेडी होने वाला है। देखिए इस तरह से हम विस्क की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। बैटर को जो है ज़्यादा भी नहीं हम मिक्स करेंगे, अगर आप ज़्यादा बीट कर देंगे तो केक जो है सख्त हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसकी इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने हमारा चोको मार्बल केक का बैटर जो है तैयार कर लिया है। अब हम इसको 1/2 एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने 1/2 अलग कर लिया है। अब हम इसके एक पार्ट में हम ऐड करेंगे 4 टीस्पून चोको पाउडर, 2, 3 और 4 4 टीस्पून हमने चोको पाउडर इसमें ऐड करके इसको भी हम इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें घाटी ना रहे इसलिए। और हम अब इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह से।
तो देखिए हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो हमने अब हमारा केक टिन ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून वाइट केक का बैटर इस तरह से। फिर हम ऐड करेंगे हमने जो चॉकलेट का बनाया है उसको हम इस तरह से ऐड करेंगे। फिर एक डालेंगे हम वाइट वाला लेयर, और फिर चॉकलेट वाला लेयर इस तरह से। तो देखिए हमने सारा बैटर जो है डाल लिया है, अब हम क्या करेंगे इसको सेंटर से लेके इस तरह से खींचेंगे, फिर इसको एक क्लॉथ में पोंच के हम इस तरह से करेंगे, फिर इसको हम एक क्लॉथ में इसको पोंच लेके इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। देखिए इस तरह से, हमारा जो केक का डिजाइन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको बेक करने के लिए रखते हैं। हमने प्रेशर कुकर को जो है 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया है, और इसमें एक छोटा सा मैंने बाउल रख दिया है, और इसके ऊपर हम हमारा जो केक का बैटर है इसको रख देंगे इस तरह। रखकर हम स्लो फ्लेम में इसको 30 से 35 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। तो चलिए हमने हमारे केक को रख के 35 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था स्लो फ्लेम में, तो अब हम इसको चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह हमारा केक जो है, देखिए हम एक टूथपिक की मदद से इसको इस तरह से देखिए कितना क्लीन निकला है हमारा टूथपिक, आई मीन स्क्यूअर। तो अब हम इसको ठंडा होने देते हैं 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। हमने हमारे चौको मार्बल केक को 10 मिनट्स के लिए कूल होने के लिए छोड़ दिया था, अब हम इसके साइड्स को इस तरह से निकाल लेंगे एक नाइफ की मदद से। आप इस तरह से इसको निकाल लीजिए, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे, देखिए कितने अच्छे से निकल गया है हमारा केक। अब हम इस पर से ये जो बटर पेपर है इसको हम उतार लेते हैं। देखिए हम इस तरह से इसको हम उतार लेंगे, देखिए अच्छे से हमारा चॉकलेट मार्बल केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। देखिए अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। हमारा चौको मार्बल केक जो है बनकर बिल्कुल तैयार है। चीज भी आपको काट कर दिखाती हूँ, रुकिए। तो चलिए अब हम इसके पीस काट कर देखते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए कितने अच्छे से बना है हमारा चौको मार्बल केक, बिल्कुल स्पॉन्जी स्पॉन्जी चॉकलेट मार्बल केक। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और कमेंट में बताना कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू नबीसत किचन।